नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीडी जॉन में। तो आज हम एक मैथ लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसे हम तीन टाइप से आपको इसे बनाना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 9 पारियों के रनों का कुछ औसत है। 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, इस प्रकार औसत रन 8 रनों से बढ़ जाता है, उसकी रनों का नया औसत क्या है। आज इस मैथ को हम तीन टाइप से बनाना सिखाएंगे, जिसमें दो टाइप का ट्रिक होगा और तीसरा आप लॉन्ग प्रोसेस में भी बताएंगे, ताकि इस टाइप का जब भी मैथ आवे तो आप आसानी से उसे बना सकते हैं। और याद रखिए कि रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी में इस टाइप का मैथ आता ही आता है, इसलिए इस मैथ को अच्छी तरह से सीख लीजिए। तो सबसे पहला ट्रिक में बताते हैं। जैसा कि ट्रिक होता है, 100 माइनस 9 गुना 8। अब यहाँ समझना है कि 100 कौन है, 9 कौन है, 8 कौन है। तो 100 जो लिखा है यहाँ पे, देखिए वह 10वीं पारी में 100 रन बनाता है, तो 100 यहाँ पे कर दिए, माइनस दिए। 9 वह लिख रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 9वीं पारी में जो है, तो वही 9वीं पारी को हम यहाँ 9 लिख दिए, और औसत रन 8 का वृद्धि हो जाता है, तो यहाँ पे औसत लिख देना है। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 8 72। तो 100 में 72 यदि हम माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इधर हो गया 8, इधर 9 में 7 2 28। तो इस पहला ट्रिक से आपका आंसर सी आ जाता है। अभी हम दूसरा ट्रिक में इसको बताएंगे कि दूसरा ट्रिक में आप किस तरह से इसको बना सकते हैं। दूसरा ट्रिक है 9x+100। चूँकि हमें रनों का नया औसत को एक्स मान लेते हैं, औसत एक्स है नया औसत, इसलिए हम यहाँ पे एक्स दिए हैं। तो 9x+100 बटा x+8, जो x में 8 रन बढ़ जाता हो, और बराबर में 10वीं पारी, क्योंकि हमें 10वीं पारी का पूछा है तो यहाँ पे 10वीं पारी लिख देते हैं। अभी यदि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर हो गया 9x+100 = 10x+8 = 80। ठीक है, अभी इधर 10x को इधर ला के 9x करते हैं तो -9x हो गया, बराबर इधर 100 - 80। तो इसमें 10x में 9x गया तो x बच गया, बराबर 100 में 80 चला गया तो 20, ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अभी बोल रहा है 8 रनों से बढ़ जाता है, तो यदि हम इसमें +8 करेंगे तो हमारा आंसर 28 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अब आइए चलते हैं इसी को थोड़ा लेंथी में बनाने के लिए, और सीखते हैं कि लेंथी प्रोसेस में ये कैसा होगा। तो इसे मिटा देते हैं। अभी लॉन्ग प्रोसेस में अब देखिए हम इसको बनाना सीखते हैं। तो माना 9वीं पारियों का औसत एक्स, तो प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से 9x+100 = 10x+8, यही कह रहा है। 9x
प्लस 10 और दसवीं का जो बोल रहा है कि एक्स में 8 औसत रन बढ़ जाता है। तो इसे यदि आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो इधर से करते हैं 9x प्लस 100 बराबर, इधर हो गया 10x प्लस 8 दही है 80। अभी हम इसे 10x इधर ले आते हैं और 9x को यहाँ रखते हैं, तो माइनस 10x माइनस 9x बराबर 100 माइनस 80, तो x बराबर हो जाएगा 20। ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। और यदि अब हम इसको जो बोल रहा है कि 8 रन बढ़ जाता है, तो इसमें x में प्लस कर देंगे 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 28। तो उम्मीद है कि ये तीनों टाइप आपको समझ में आ गया होगा, दो ट्रिक और ये एक लॉन्ग प्रोसेस में। तो हमें लगता है कि जब भी इस तरह का मैथ अब आपके सामने पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसे बना लेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ में इस तरह के और भी मैथ सीखने के लिए हमारे चैनल BDJohn को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।